सुल्तान फतेह अली खान टीपू को बरे सगीर पाको हिंद की तारीख में कलीदी हैसियत हासिल है। आपने ब्रिटिश मराठास और गद्दारों से लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया। अंग्रेज टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान पर कब्जा करने की राह में अपनी आखिरी रकावट समझते थे। टीपू सुल्तान से मुतालिक जानने से पहले एक वक्त का सियासी व अस्करी हालात का जायजा लेते हैं। मैसूर बरसगीर के जनूब में एक छोटी सी रियासत थी जिसमें टीपू सुल्तान पैदा हुए। आप वहां के सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। जिस दौर में आप पैदा हुए तब जनूबी हिंदुस्तान पर अंग्रेज काफी हद तक कदम जमा चुके थे। 16वीं सदी के आखिर में सल्तनत मुगलिया अंदरूनी खल्फशार और कमजोर शहनशाह की वजह से साहली इलाकों में अपना असर रसूख काफी हद तक खो चुकी थी। अंग्रेज जो तजारत की गर्ज से इंडिया में आए, इन्होंने मुख्तलिफ साजिशों से साहली इलाकों में काबिज होने की तगोदो शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला जात, सिल्क, धमाका खेज मवाद और चाय की तजारत पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुकी थी। ये तजारत मुगलों की इजाजत से 17वीं सदी तक और अमन तरीके से जारी रही। 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत बहुत कमजोर हो गई और कई रियासतें मुगलिया सल्तनत से अलहदगी हासिल कर चुकी थी। मैसूर के आसपास निजाम, सिख, त्रावणकोर, कर्नाटक और मराठा रियासतें थीं। साहली इलाकों पर मुगलों की इजाजत से बरतानिया, डच और पुर्तगीज कंपनियों ने भी तजारती मराकज बनाए हुए थे। माही बंदरगाह मैसूर के लिए बहुत अहमियत रखती थी क्योंकि मैसूर, जो कि फ्रांस का इतिहादी था, अपना सारा असला और गोला बारूद इसी बंदरगाह के जरिए मंगवाता था। इन तमाम रियासतों में से मराठा की रियासत सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मैसूर और अंग्रेजों के दरमियान पहली जंग 1767 में लड़ी गई। इसकी वजह ये थी कि हैदर अली फ्रांस का इतिहादी था और अंग्रेज जानते थे कि वो ना डरने वाले इंसान हैं। इसके अलावा वो कई अहम इलाकों पर काबिज था, इसलिए बरतानिया इनसे खतरा महसूस करता था। इसी खतरे के पेश नज़र ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा इतिहाद किया और मैसूर पर धावा बोल दिया। इस तरह पहली एंग्लो मैसूर जंग शुरू हुई। उस वक्त टीपू की उम्र 15 साल थी। हैदर अली, जो कि समझदार सुल्तान थे, ने एक नई हुकूमत अमली अपनाई और मराठा को अपने साथ मिला लिया। फिर उन्होंने सुल्तान, जिनकी उम्र उस वक्त 17 बरस थी, निजाम की तरफ डिप्लोमेट बनाकर भेजा। नौजवान टीपू सुल्तान सोना, जंगी हाथी, हीरे, जवाहरात और घोड़े लेकर निजाम के दरबार में पहुंचे और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर के साथ देने पर रजामंद कर लिया। फिर टीपू सुल्तान ने मद्रास पर हमला कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों के कई किले फतह कर लिए और उन्हें पस्पा होने पर मजबूर कर दिया और करीब ठाक मैसूरियन अंग्रेजों को बरसगीर से निकालने में कामयाब हो जाते। अंग्रेजों ने सुलह की दरख्वास्त कर दी। हैदर अली ने सुलह की दरख्वास्त कबूल कर ली और मैसूर लौट गए और इस तरह पहली एंग्लो मैसूर जंग सुल्तान हैदर अली की वाज़ह बर्तरी के साथ खत्म हो गई। 1778 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जंग छिड़ गई। इसके तनाजर में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में काफी मजबूत हो चुकी थी, ने फ्रांस के इंडिया में किलों का मुहासरा शुरू कर दिया। 1778 में अंग्रेज फ्रांस के कई किलों पर कब्जा कर चुके थे। माही बंदरगाह हैदर अली के लिए बहुत तजारती और अस्करी अहमियत की हामिल थी। हैदर अली फ्रांस से असला और गोला बारूद इसी पोर्ट के जरिए मंगवाता था। 1779 में कंपनी ने बंदरगाह माही पर कब्जा कर लिया।
इसके रद्द अमल में हैदर अली ने कर्नाटक जो कि बरतानिया का इतिहादी था पर 90,000 की फौज के साथ हमला कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर ने कर्नाटक की मदद के लिए सर हेक्टर मुनरो की क्यादत में अपनी फौज का बड़ा हिस्सा हैदर अली से लड़ने के लिए भेजा। इसके अलावा कर्नल विलियम बेली को भी मुनरो की मदद के लिए भेजा गया। हैदर अली को दुश्मन की नकलो हरकत की खबर पहले से मिल चुकी थी और उसने टीपू सुल्तान की क्यादत में 10,000 घुड़सवार का दस्ता हेक्टर मुनरो का सामना करने के लिए भेजा। 1780 में टीपू सुल्तान ने विलियम बेली की फौज का मुहासरा कर लिया और उसे बुरी तरह से शिकस्त दी। 4,000 बरतानवी फौजियों को कैद कर लिया गया और लगभग 336 मार दिए गए। ये बरतानिया की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त थी। हेक्टर मुनरो इसके बाद पस्पा हो गया। हैदर अली ने पस्पा होते हुए फौज का पीछा तो किया लेकिन उसने उनके मरकजी किलों पर हमला नहीं किया। तारीख दानों का मानना है कि अगर उस वक्त हैदर अली और टीपू सुल्तान उनके किलों पर हमला कर देते तो बरतानिया का हिंदुस्तान से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाना था। अगरचे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ दो जंगें लड़ चुके थे, उसे हर गुजरते रोज के साथ अंग्रेजों से शदीद नफरत हो गई और वो उन्हें बरसगीर से हर कीमत पर बाहर निकाल देना चाहते थे। अब अंग्रेजों के मराठा और निजाम के साथ हालात बेहतर हो चुके थे और अपनी ताकत बहाल कर चुके थे। बरसगीर के काफी हिस्सों में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी लेकिन टीपू सुल्तान उनकी तौसीए मंदाना अजायम की राह में आखिरी रुकावट बनकर दीवार की तरह खड़े। 1789 में जब अंग्रेजों की सरगर्मियां रोज बरोज बढ़ती गईं, तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला किया और यूं तीसरी एंग्लो मैसूर जंग शुरू हुई। त्रावणकोर क्योंकि अंग्रेजों का हामी था और उसने अंग्रेजों से मदद मांग ली, इसलिए अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के दरमियान जंग का आगाज हो गया। मराठा और निजाम भी टीपू सुल्तान की कामयाबियों और ताकत से खायफ थे, चुनांचा उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। 1791 में टीपू के तमाम मुखालफीन ने मिलकर सरंगापटम जो कि मैसूर का दारुल खिलाफा था का मुहासरा किया। टीपू चारों तरफ से घिर चुका था लेकिन उसने नई हिकमत अमली अपनाई। उसने दुश्मन फौज के जेरे इस्तेमाल इमलाक फासलों और तमाम खाने पीने के जराए को तबाह कर दिया। इस तरह अंग्रेज फौज पाका कशी पर मजबूर हो गई। उसने हर उस चीज को ख़त्म करवा दिया जो अंग्रेज फौज इस्तेमाल कर सकती थी। उसकी ये हिकमत अमली कामयाब रही और मुहासरा करने वाली फौज को पस्ता होना पड़ा। अंग्रेज फौज ने 1792 में एक दफा फिर मैसूर का मुहासरा किया। इस दफा अंग्रेज जनरल ने टीपू की रस्त खत्म करने के लिए काफी इकदाम किए। जब अंग्रेज फौज बहुत बड़ी तादाद में सरंगापटम पहुंची तो टीपू ने उस पर रॉकेट से हमला किया। अंग्रेज जनरल ने रात के वक्त टीपू पर हमला कर दिया और दोनों फौजों के दरमियान रुमान की लड़ाई हुई। मुहासरे के कुछ रोज बाद अंग्रेजों की मदद के लिए एक और लश्कर आ पहुंचा। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी इसलिए टीपू ने अंग्रेजों के साथ एक बार फिर एक और मुआहदा कर लिया। इस जंग के अख्ताम पर रियासत मैसूर को अपने काफी इलाके से हाथ धोना पड़ा। 1792 में जब तीसरी एंग्लो मैसूर जंग हुई तो उसमें टीपू को काफी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1792 से 1798 तक उसने अपनी ताकत को काफी हद तक बहाल कर लिया था। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का हुक्मरान था ने मिस्र पर हमला किया और उसका अगला निशाना हिंदुस्तान था।
नेपोलियन हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना चाहता था। इस हवाले से टीपू और उसके मुफादात एक ही थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और तुर्की में अपनी नुमाइंदे भेजे, जिनसे उसने कंपनी को ख़त्म करने के लिए मदद मांगी, लेकिन अंग्रेज़ों को टीपू के मकासद की पंख लग गई और वो इस बात को समझ चुके थे कि हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए सबसे पहले उन्हें टीपू से छुटकारा पाना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए निज़ाम और मराठा को साथ मिलाकर मैसूर पर धावा बोल दिया। टीपू अभी तक जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इतनी जल्दी से फ्रांस की फौज भी टीपू की मदद के लिए नहीं पहुंच सकती थी। इस जंग में कंपनी ने अपने साथ टीपू के कई वजीरों को मिला लिया था। इन वजीरों ने अंग्रेज लश्कर को किले के वो हिस्सा बताया जो सबसे कमज़ोर था। अंग्रेज़ों ने गोला बारूद से उस हिस्से को तबाह कर दिया और अंग्रेज़ फौज इस रास्ते से किले में दाखिल हो गई। जब किले की दीवार टूट गई और बरतानवी फौज किले के अंदर दाखिल हो चुकी थी, तो टीपू के साथियों ने उन्हें किले के खुफिया रास्तों से फरार होने का मशवरा दिया और कहा कि किसी और किले से जाके दोबारा जंग की तैयारी कर लें। इस वक्त सुल्तान ने उनकी बात मानने की बजाय किले के बाहर आके अंग्रेज़ फौज पर हमला कर दिया। इसी दौरान लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। इनकी शजात और दलेरी रहती दुनिया तक। शेरों की एक दिन की जिंदगी को गीदड़ों की हजार साल जिंदगी से बेहतर बनाती रहेगी।